सो अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6.12, ओके, स्लोविंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन होता है, बहुत फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं, उनको स्लो करने के लिए, उनके काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए हम मॉडरेटर यूज़ करते हैं। मॉडरेटर जनरली, जो मॉडरेटर हम यूज़ करते हैं वो हैवी वाटर होता है। ड्यूट्रॉन का जो वाटर होता है D2O, उसका हम यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर अ न्यूट्रॉन ऑफ हाई स्पीड टिपिकल 10^7 मीटर पर सेकेंड मस्ट बी स्लो डाउन टू 10^3, है ना, मतलब उसका 10,000 टाइम्स वेलोसिटी डिक्रीज कर देता है वो, सो दैट इट कैन हैव हाई प्रोबेबिलिटी टू इंटरेक्ट विथ आइसोटोप यूरेनियम-235, है ना। यूरेनियम का एटम जो है उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए, उसके फ्यूजन के लिए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन सफिशियंट होता है ना। तो हमको स्लो मूविंग न्यूट्रॉन करने के लिए, न्यूट्रॉन की वेलोसिटी डिक्रीज करने के लिए हमको ड्यूटेरियम की रिक्वायरमेंट होती है। और वही है, शो दैट द न्यूट्रॉन कैन लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन विथ लाइट न्यूक्लियाई, ओके, लाइक ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम से जब वो कोलाइड करेगा तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर देगा, या फिर कार्बन से वो जब इंटरेक्ट करेगा तो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो लॉस कर देगा, है ना। जैसा कि यहाँ पर गिवन है कि उनका मास जो है वो न्यूट्रॉन के कंपेरिजन में कुछ ही थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो हमको यही बताना है कि वो करेगा कि नहीं करेगा। अगर हम बात करें इनिशियल, ध्यान से समझना है हमको, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखें, जिसको हम K1 लिख देते हैं, वो होगा हाफ उसका मास m1 वेलोसिटी v1 स्क्वायर, ओके। और अगर हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखें, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, ओके, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी K2 जो होगा वो होगा, यहाँ पर हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा उसका, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमको जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो फाइनल वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ओके। वैसे तो ये सॉल्यूशन जो हम देख रहे हैं, ये आपको बहुत सारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, बहुत सारे जगह पर आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, बुक में भी इसका सॉल्यूशन गिवन है। फिर भी हम इसके वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमको समझ में नहीं आती। जैसे यहाँ पर बुक में आप देखेंगे तो डायरेक्ट V2 उन्होंने लिख रखा है, पर हम यहाँ पर V2 फाइंड करेंगे कैसे, इलास्टिक कोलिजन, ओके। अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करें, जरा ध्यान से समझना, वही समझने वाली बात है। इलास्टिक कोलिजन की बात करें, है ना, जैसे कि हमारे पास में एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी u1 है इनिशियली, ओके, और दूसरी बॉडी है जिसका वेलोसिटी u2 है इनिशियली, और ये दोनों कोलाइड करते हैं, इसका मास हमने m1 लिया, इसका मास हमने m2 लिया, दोनों कोलाइड करते हैं, और कोलिजन के बाद में इस m1 का वेलोसिटी v1 और इस m2 का वेलोसिटी V2 अगर हो जाता है तो V1 और V2 क्या होगा इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, ओके। यहाँ पर हम इसे U1 ही लिख देते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन को हम M1 और उसका वेलोसिटी U1 हम इनिशियली कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम V1 की बात करें तो वो होगा M1 - M2, ओके, इंटू U1 प्लस टू टाइम्स ऑफ M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 + M2, ओके। तो यहाँ पर U2 जो ड्यूट्रॉन है वो रेस्ट में हम मान के चल रहे हैं, तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। यहाँ पर V1 का वैल्यू हम निकाल लेंगे M1 - M2 इंटू U1 डिवाइडेड बाय M1 + M2, ओके। तो अगर हम यहाँ पर, ये आपको समझ में आया होगा कि ऐसे कैसे लिख दिया, तो अगर हमको फाइनल वेलोसिटी अब फाइंड करना है, जिसको हमने K2 लिखा था, है ना, तो फाइनल वेलोसिटी K2 जो होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, तो हाफ उसका मास है m1 और वेलोसिटी हमने निकाला, तो दैट इज m1 - m2 डिवाइडेड बाई m1
प्लस एम टू इंटू यू वन का होल स्क्वायर ओके यहाँ पर हमको फ्रैक्शनल चेंज फाइंड करना पड़ेगा ओके क्योंकि हमको लॉस पता करना है, एनर्जी का लॉस पता करना है, ठीक है। तो हम एनर्जी का लॉस पता करने के लिए लॉस इन एनर्जी देखेंगे, है ना। थोड़ा सा हम यहाँ से लिख लेते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा के, दैट इज डेल्टा के। तो हम यहाँ लिखेंगे के इनिशियल मतलब के वन माइनस के टू, और अगर हम फ्रैक्शनल लॉस की बात करें तो हम लिखेंगे के वन माइनस के टू डिवाइडेड बाय के वन, है ना। तो के वन का वैल्यू हमको गिवन है कितना है, फ्रैक्शनल लॉस हम देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का के वन का वैल्यू कितना गिवन है, हाफ एम वन यू वन स्क्वेयर। के टू का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला माइनस वन बाई टू, है ना। इसे हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम फ्रैक्शनल लॉस की बात करें ओके तो यहाँ पर हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, में चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर हमने इसको लिखा है के वन के टू, तो लिखा है हमने के वन माइनस के टू डिवाइडेड बाय के वन। तो के वन का वैल्यू कितना है, वन बाई टू एम यू वन स्क्वायर, माइनस के टू का वैल्यू हमने दिखा रहा वन बाई टू एम M1 U1 square in the bracket 1 minus 1 M1 minus M2 divided by M1 plus M2 और इसका whole square okay divided by initial kinetic energy that is 1 by 2 M1 U1 square। M1 क्या है, M1 जो है वो mass of neutron है, और M2 जो है वो मास ऑफ ड्यूट्रॉन है, ओके तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, अल्टीमेट हमको मिलेगा 1 माइनस M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर LCM लेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए ज़रा देखते हैं, है ना। तो यहाँ मिलेगा हमको M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर प्लस M2 का होल स्क्वायर माइनस M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 होल स्क्वायर ओके। तो यहाँ पर अगर हम फ्रैक्शनल चेंज देखें काइनेटिक एनर्जी में डिवाइडेड बाय K1, तो वो हमको मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 होल स्क्वायर, है ना। जब इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे और कैंसिल करेंगे तो ये मिलेगा। और अगर हम फर्स्ट केस देखते हैं फॉर ड्यूट्रॉन, अगर हम ड्यूट्रॉन की बात करें तो M2 जो होगा वो ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, मतलब कि 2M1 के बराबर होगा वो, है ना, अप्रॉक्सीमेट 2m1 के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ से डेल्टा के डिवाइडेड बाय के इनिशियल की बात करें तो वो होगा 4 इंटू 2m1 ओके इंटू m1 डिवाइडेड बाय 2m1 प्लस m2 मतलब 3m1 होल स्क्वायर, तो हमको मिलेगा 8/9। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 80/9 अप्रोक्सीमेट 78%, कितना, तो वो 78% एनर्जी लॉस कर देगा, ठीक है। 78 नहीं आएगा यहाँ पर, अप्रोक्सीमेट 90% ओके अगर हम कार्बन की बात करते हैं,
अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो M2 का वैल्यू 12 M1 के बराबर हो जाएगा। ओके कितना हो जाएगा 12। तो अगर हम यहाँ पर कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो मास होता है वो 12 टाइम्स ऑफ न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है, 12 गुना होता है ना। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 पेन हमको लेना पड़ेगा, 4 × 12 M1, M2 का वैल्यू कितना है 12 M1 × M1, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 13 M1 का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 48 / 169। और अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 48 × 100/169 हम लिखेंगे, दैट मच परसेंट। और जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आने वाला है, कैलकुलेशन के बाद हमारे पास में आना 28.4%, तो 28.4%। तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि हम अगर न्यूट्रॉन का कोलिजन न्यूट्रॉन के साथ में होता है तो 90% एनर्जी का लॉस होता है, उसका एनर्जी 90% डिक्रीज हो जाता है। पर अगर हम कार्बन की बात करें तो उसका एनर्जी 28.4% अप्रोक्सीमेट डिक्रीज होता है। थैंक यू वेरी मच।